मेरे लल्ले दोनों ही चले गए मैया, पहुँचू ना पाए हम तो घर पे। बेटी को भी नहीं देख पाया अभी तक। बेटी को तो हमें रात में देखने को मिला मैया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में सिलेंडर फटने के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और एक मामला जो है वो दिल्ली के सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार से सामने आया है, जहां पर एक घर में सिलेंडर फटने से जो है एक इमारत पर आग लग जाती है, जो वो इमारत है वो भरभर आकर गिर जाती है, और इसी कारण जो है एक महिला की इसमें जान चली जाती है। बताया जा रहा है जिस महिला की जान गई है वो 8 महीने गर्भवती थी, और साथ ही साथ एक और महिला जो है इस हादसे में घायल हुई है। जो मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इसी घर में जो है जो सिलेंडर फटा था, देख सकते हैं आप, पूरी एक इमारत जो है वो गिर चुकी है और सारा सामान भी यहीं पर पड़ा हुआ है। इसी घर के अंदर जो है एक महिला की जान गई है, साथ ही साथ जो दूसरी महिला है उनका नाम रेनू बताया जा रहा है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ ये हैरानी की बात है, जो महिला थी वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये हादसा आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने वाली बात है। चलिए परिवार वालों से बात करते हैं, जानते हैं पूरे मामले को। अभी मेरे साथ रेनू मौजूद है, वही महिला है जो उस वक्त घायल हुई थी। अभी मैं रेनू की कंडीशन भी आपको दिखा देती हूँ। इनका फेस जो है एक तरीके से जल चुका है, और लेफ्ट हैंड में भी बुरी तरह चोटें लगी हैं, पट्टी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी उनकी कंडीशन नहीं है कि वो चल सके, बात कर सके, लेकिन गौरतलब रही कि ये बच गई और अभी एक तरीके से रिकवर कर रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या था और ये हादसा कैसे हुआ। मैम, उस वक्त क्या हुआ था बता सकती हैं? मैं तो मैगी बनाने गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैं लेके आ रही थी, नीचे एकदम भटका बोला घर में। भाभी उस वक्त कहाँ पर थी? नीचे अंदर कमरे में थी। तो आप किचन में गई थी मैगी बनाने? हाँ, ऊपर। फिर अचानक क्या हुआ, सिलेंडर फटा या फिर क्या हुआ था? मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, मैं खुद गिर गई थी बेहोश होके। फिर आप, मतलब आप कैसे बची, आपने अपने आप को कैसे बचाया? मैं बेहोश हो गई थी, नीचे गिर गई थी मैं जीने पे से। अच्छा, आपको पता ही नहीं लग पाया उस वक्त हुआ क्या? पता क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता कुछ भी। डॉक्टर ने क्या बोला, कितना टाइम लग जाएगा रिकवर होने में? मेरे को नहीं पता, इन सबसे बात हुई होगी। भाभी की हालत पता थी आपको, मतलब कैसी हो रखी थी, क्या कंडीशन थी उनकी? मुझे नहीं पता, मेरे को दिखाई नहीं है अभी तक, है कहाँ वो। सर क्या हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? मैं यहाँ था ही नहीं, मैं मौजूद नहीं था यहाँ पर। मैंने तो सवेरे सुना, मैं गया था जो राजस्थान। किस वक्त पता चला इस हादसे के बारे में? ये मुझे तो कल फोन मिला था। कुछ पता लग पाया कि आखिर वजह क्या थी, सिलेंडर कैसे फटा? नहीं नहीं, मुझे ये कोई पता नहीं चला, मुझे ये पता लगा कि इन लोगों की चोट लगी, सिलेंडर फटा है, मैं सुबह देखने चला आया। तुम बेसिकली यहाँ पर ही रहती है रेनू? हाँ, घर में ही रहती है। इस घर में ही सारे फैमिली मेम्बर हैं ये। और जो रजनी जिनको पूजा बताया जा रहा है, वो वहाँ दूसरे घर में रहती है? नहीं, एक ही घर में थी। जो घर फटा है वो किसका है? इन्हीं का है। मैडम ऐसा है कि नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला, मतलब पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, तो दूसरी मंजिल पर इनका किचन था। नीचे सब जो बैठी होंगी, ने भूख लगी या मन करा के महंगी बना के ले आओ, पूजा वहाँ कुछ कर रही होगी या पता नहीं, अब नहीं बता सकता हूँ कि ऊपर थी या नीचे थी। बस ये महंगी बनाने गई हूँ वहाँ पर, जो इनका हादसा हो गया। उसके बाद हादसा हो गया, यही हुआ हमारे अंदाजे, मतलब हमें कोई क्लियर हम नहीं बता सकते। मैं सिर्फ यही दो थे या कोई और तो नहीं था? नहीं नहीं, कोई नहीं था, ये तीन लोग थे। तीसरा कौन? तीसरा ये नीचे होंगी। नहीं, मैं तो अपने मायके से आई हूं। अच्छा, घर में कौन कौन था? यही दो थे बस, खाली यही दो थे। हाँ, तो जो पूजा है उनकी कैसी कंडीशन थी जब वो आपको मिली थी बॉडी? हमें मिली ही नहीं है अभी तक, अभी दिखाई नहीं है हॉस्पिटल, दिखाया नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। किसी को कुछ पता? आसपास और कोई भी घायल हुए हैं? नहीं, इमारत वगैरह गिरी तो कोई और भी नहीं जख्मी हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? अब उनको उनको पता होगा, घर वालों को, बाकी हमें कुछ नहीं पता। अभी मेरे साथ पूजा की माँ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। मैम थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और बताइए, कुछ पता लग पाया कि आखिर हुआ क्या था, हादसा कैसे हुआ ये सब? नहीं पता, हम थे नहीं घर पे, हम घर पे होते तो अपने बच्चा बचा लेते। कहाँ थी आप उस वक्त? हम गए थे कहीं प्रेमनगर, बहन के छोरी की छोरी खत्म हो गई थी, वहाँ गए थे। तो उस वक्त पूजा के हस्बैंड भी नहीं थे घर पर? मैया कोई ना, सब काम पे गए थे। बताया जा रहा पूजा 8 महीने प्रेग्नेंट भी थी? हाँ जी मैया, पहला बच्चा होने वाला था। हाँ
मैया, मेरे लल्ली दोनों ही चले गए मैया। पता लग पाया सिलेंडर फटा कैसे था? बेटा मैं कुछ नहीं पता, मगर मैं ते ही नहीं था, का बता मैं। पूजा और रेनू ही थे घर पे? हाँ, वो मेरी बच्ची को भेज दिया चाय लेने, वो चाय चाउमीन बनाने गई थी। अरे नीचे का बना हुआ बनो पता ना। किस कंडीशन में पूजा आपको मिली थी? मैंने तो देखी ना अपनी लाल, का बताऊं, मैंने तो देखी ना अपनी बचिया मैया। मैं कब पता चला इस हादसे के बारे में? किस वक्त पता चला था? हमें 3-4 बजे करीब फोन गया था मैया, पहुंचू ना पाए हम तो घर पे। बेटी को भी नहीं देख पाया अभी तक? बेटी को तो हमें रात में देखने को मिला मैया। मैया रे, एक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया। बताया जा रहा था कि इस इलाके में जो है सिलेंडर फटने से एक महिला की जान चली गई। उस महिला की जो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, यहाँ पर आप पूरे परिवार का रोना साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस हादसे के बाद एक तरीके से पूरे परिवार को जो है सदमा लग गया है। और ये अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो सिलेंडर फटा कैसे था और क्यों फटा था, किस लापरवाही की वजह से फटा था, लेकिन हादसा तो हुआ है और जान तो गई है। आपको बताया कि रेणु किस तरीके से घायल है, अभी भी उनकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है और अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में। लेकिन एक महिला की जो है जिस वजह से जान गई है उसके कारण एक तरीके से माँ की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और भाई भी जो है यहाँ पर बेहोश हो गए हैं अभी अभी ये हादसे के बाद। पूरा परिवार जो है मातम में है। ऐसे सिलेंडर के फटने की घटनाएँ जो है बार बार सामने आती रहती है और इस ऐसे सिलेंडर को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सिलेंडर किस हालत में है, किस जगह पर है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये हादसा कभी भी और किसी के भी साथ हो सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए।